हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीके टेक्निकल पॉइंट और मैं हूं दिनेश शर्मा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करेंगे टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल्स के बारे में। दोनों के आपस में डिफरेंस क्या क्या है और इनका नेटवर्क में क्या क्या यूज़ है। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर नेटवर्क से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। TCP और UDP TCP/IP मॉडल और OSI मॉडल में यूज़ होने वाले प्रोटोकॉल्स हैं। ये TCP/IP मॉडल में होस्ट टू होस्ट लेयर पर वर्क करते हैं, जबकि OSI मॉडल में यह ट्रांसपोर्ट लेयर पर वर्क करते हैं। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड UDP का मतलब होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP प्रोटोकॉल एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब होता है डेटा ट्रांसफ़र करने से पहले यह कनेक्शन को वेरीफाई करता है कि रिसीवर डिवाइस से सेंडर डिवाइस का कनेक्शन इस्टेब्लिश है या नहीं। इस प्रोसेस में क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है, जिसे हम साइन कहते हैं। सर्वर क्लाइंट को रेस्पॉन्स करता है, उसे साइन एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। TCP प्रोटोकॉल में इस फंक्शन को हैंडशेकिंग भी कहते हैं। TCP प्रोटोकॉल काफ़ी रिलायबल प्रोटोकॉल है। यह डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हैंडशेकिंग के अलावा और भी मैकेनिज्म को यूज़ करता है। TCP प्रोटोकॉल की डेटा को डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचाने की गारंटी होती है। TCP प्रोटोकॉल में डेटा उसी सीक्वेंस में रिसीव होता है जिस सीक्वेंस में डेटा को सेंड किया जाता है। क्लाइंट और सर्वर डेटा ट्रांसफ़र के समय डेटा का सीक्वेंस नंबर चेंज नहीं करते हैं। यह फ्लो कंट्रोल कर भी वर्क करता है। TCP में यूज़ होने वाले प्रोटोकॉल्स हैं HTTP, HTTPS, Telnet, FTP, SMTP, ETC। TCP के वर्क फंक्शन की बात करते हैं तो TCP का मेन वर्क होता है एड्रेसिंग एंड मल्टीप्लेक्सिंग। TCP पोर्ट का यूज़ करके हाई लेयर एप्लीकेशंस प्रोसेस निर्धारित की जाती है। यह लेयर मेनली डिफरेंट टाइप से रिसीव डेटा को मल्टीप्लेक्स करती है और नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल की हेल्प से डेटा को सेंड करती है। इसके बाद ये इस्टेब्लिशिंग, मैनेजिंग एंड टर्मिनेटिंग कनेक्शंस। TCP एक ऐसी एक्टिविटी का ग्रुप है जो कनेक्शंस इस्टेब्लिश करने के लिए डिवाइसेस द्वारा फॉलो किए जाते हैं, जिनके द्वारा डेटा ट्रेवल कर सकते हैं। एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद इसे मैनेज करना पड़ता है। TCP कनेक्शंस को टर्मिनेट करने के बाद इसे भी टर्मिनेट कर दिया जाता है। और उसके बाद इसमें हैंडलिंग एंड पैकेजिंग डाटा, यानी कि TCP यह फैसिलिटी एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है जो डेटा को TCP की हाई लेयर से सेंड करने के कैपेबल बनाता है, जिसके बाद में डेस्टिनेशन TCP सॉफ्टवेयर पर भेजने के लिए मैसेज में पैक किया जाता है। इसके बाद ट्रांसफरिंग का वर्क होता है इसमें, यानी कि डेटा को ट्रांसफरिंग किया जाता है। इस स्टेज में लेयर स्टैंडर्ड को फॉलो करके पैक डेटा को अदर डिवाइस पर TCP प्रोसेस में रिप्लेस कर दिया जाता है। इसके बाद प्रोवाइडिंग रिलायबिलिटी एंड ट्रांसमिशन क्वालिटी सर्विस। इसमें ऐसी सर्विस और क्वालिटीज इंक्लूड होती हैं जो प्रोटोकॉल को डेटा ट्रांसफ़र करने का एक रिलायबल मीडियम मानने के लिए एक एप्लीकेशन को परमिशन देती है। UDP एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है जो TCP/IP मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर पर वर्क करता है। यह डेटा ट्रांसफ़र करने से पहले न तो कनेक्शंस एस्टेब्लिश करता है, न ही कनेक्शंस चेक करता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई कनेक्शन है या नहीं है। डायरेक्ट डेटा को डेस्टिनेशन होस्ट पर भेज देता है। इसका यूज़ डेटा को फास्ट स्पीड में ट्रांसफ़र करने के लिए मोस्टली किया जाता है। UDP न तो डेटा की डिलीवरी गारंटी देता है, न ही लॉस्ट पैकेट्स को वापस लाता है, यानी कि जो डेटा हम सेंड करते हैं उसमें कोई अगर पैकेज लॉस्ट हो जाए तो इसको रीसेंड भी नहीं करता है। इसके वर्क फंक्शन की बात करते हैं तो इसके वर्क फंक्शन है UDP का मेन वर्क होता है हायर लेयर प्रोटोकॉल से डेटा रिसीव करना और इसे UDP मैसेज में प्लेस देना, बाद में ट्रांसमिशन के लिए IP में रिप्लेस कर दिया जाता है। इसके बाद आता है इसमें हायर लेयर डेटा ट्रांसफ़र। इस स्टेज में UDP सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन द्वारा मैसेज सेंड करता है। इसके बाद इसमें UDP मैसेज इनकैप्सुलेशन होता है। इसमें मैसेज का इनकैप्सुलेशन होता है सोर्स पोर्ट फील्ड और डेस्टिनेशन पोर्ट फील्ड के साथ UDP मैसेज के हेडर ऐड किए जाते हैं। यह चेकसम भी काउंट करता है। उसके बाद में ट्रांसफ़र मैसेज टू IP। लास्ट में UDP मैसेज को ट्रांसमिशन के लिए IP में ट्रांसफ़र किया जाता है। UDP में यूज़ होने वाले प्रोटोकॉल्स हैं बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल, DHCP, DNS, TFTP, ETC। अब TCP और UDP के डिफरेंस को एक टेबल के द्वारा समझते हैं।
नंबर 1, टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जबकि यूडीपी एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। टीसीपी में डेटा ट्रांसफर स्पीड स्लो होती है जबकि यूडीपी में डेटा ट्रांसफर स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। यूडीपी का एग्जांपल है व्हाट्सएप एंड फेसबुक जैसे मैसेंजर्स। टीसीपी के एक रिलायबल प्रोटोकॉल है जबकि यूडीपी एक अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। टीसीपी में डेटा डिलीवरी की गारंटी होती है इसमें, जबकि यूडीपी में डेटा डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं होती है। टीसीपी मैसेज सीक्वेंस ऑर्डर से डिलीवरी करता है, यानी कि टीसीपी में जो मैसेज जो होते हैं वो सीक्वेंस नंबर से डिलीवरी होते हैं। उसमें फॉर्मेट में आपके पैकेट्स जाएंगे उसी फॉर्मेट में सेकंड एंड पर वो सेव होंगे। वन सीक्वेंस नंबर से सेकंड, सेकंड से थर्ड, से थर्ड से। लेकिन यूडीपी में इस तरह का कोई भी सीक्वेंस नंबर फॉलो नहीं होता है। टीसीपी लास्ट पैकेट को रिसेंड कर देता है, यानी टीसीपी में क्या होता है, अगर कोई पैकेट आपका लॉस भी जाता है तो उसको रिसेंड करने की कैपेबिलिटी रखता है, जबकि यूडीपी में ऐसा नहीं होता। अगर आपका पैकेट लॉस हो जाता है तो वो उसको रिसेंड नहीं करेगा। टीसीपी का जो हेडर होता है वो 20 बिट्स का होता है जबकि यूडीपी का हेडर केवल 8 बिट्स का होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।